तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, और सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि आपको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगी, हर तरीके से हेल्प करेगी। और जो भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दिया है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझसे। ठीक है, तो अब बिना बकवास किए हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आप लोग सभी को पता है कि जेईई मेंस में कितने परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेंगे 2024 में। ठीक है, आज जेईई मेंस सीजन 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। आई होप आप सभी का अच्छा रैंक का रिजल्ट आया होगा, परसेंटाइल आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ मैं बताऊंगा कि कितने परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, और फिर आप सेशन 2 दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अभी टाइम भी है। ठीक है, तो देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको मिलेगा 45 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल है तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएंगे, लेकिन वो बिहार के टॉप कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे। जैसे टॉप 10 कॉलेज बच्चे जो खोजते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको 38 जो कॉलेजेस हैं उसमें से कोई एक कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, जो अभी नया फिलहाल में बना है। ठीक है, अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए ना, तो आपको 70 परसेंटाइल से ऊपर लाना पड़ेगा, 70 परसेंटाइल से ऊपर लाना पड़ेगा अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो। ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉलेजेस चाहिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, तो आपको 40 परसेंटाइल, 45 परसेंटाइल से ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, उतना लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। अगर आपके परसेंटाइल 40 से 45 प्लस ऊपर है तो 100% आपको कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम है तो प्लीज़ आप फिर से एग्ज़ाम दे दो जेईई मेंस सेशन 2 का, और आपका भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते, ये बॉयज़ के लिए था। ठीक है, और गर्ल्स का बात कर लेते हैं, तो गर्ल्स के लिए भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है बिहार में। ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग में, क्योंकि पहले से ही सरकार रिजर्वेशन दी है, 35% रिजर्वेशन और बढ़ गया है। मतलब कि उनके अगर कम रैंक भी है, कम परसेंटाइल भी है, तो उनको मिल जाएगा। मतलब मिनिमम 25 से ऊपर है, ठीक है, तो उनको जेईई मेंस मतलब बिहार इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, लेकिन बॉयज़ को नहीं मिलेगा। ठीक है, बॉयज़ को नहीं मिलेगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि सर, टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कितने परसेंटाइल रहना चाहिए। देखो, टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए ना, तो आपको 80 से 85 से प्लस रहना चाहिए। ठीक है, 80 से अगर नीचे है तो आपको नहीं मिलेंगे, 85 से ऊपर, 80 से ऊपर रहेगा तो आपको टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उससे कम है तो नहीं मिलेगा।